अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि अलाइनर्स जब यूज़ करते हैं एज ए ट्रीटमेंट तो उसमें बटन्स कैसे लगाते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं, ये पेशेंट का एक मॉडल है, ये इनके अलाइनर ट्रीटमेंट चल रही है इस पेशेंट की। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अटैचमेंट लगी हुई है जो हमने पिछली वीडियो में जो लगाना सीखा था। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ क्लिक करें और देख लें कैसे लगाते हैं अटैचमेंट। आज हम देखेंगे कि बटन्स कैसे लगाते हैं। अच्छा, बटन का फंक्शन क्या है? अगर आप देखें तो पेशेंट का जो ये दांत है, ये वाला फोर जो है वो आर्च में है नहीं, काफ़ी टेल करके अंदर है, थोड़ा सा इंट्रूडेड भी है। तो सिर्फ प्लास्टिक के अलाइनर जो है उन पे रिलाई करना कि ये इसको स्ट्रेटन सीधा कर देंगे इज़ नॉट रियली प्रिडिक्टेबल, स्पेशली इफ़ द पेशेंट इज़ इन हिज 30s। तो हमें चाहिए थोड़ी सी और सपोर्ट कि हम उससे खींच के इसको बाहर लाएँ। वो आएगी हमारे पास बटन्स के थ्रू। ये फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट की बाइट है, एक हम बटन लगाएंगे यहाँ ऊपर फोर पे, एक बटन लगाएंगे उस दांत पे जिसको हमने बाहर लाना है आर्च में, ठीक है। एंड देन पेशेंट जो इलास्टिक लगाएगा इस बैंड से लेके यहाँ तक। लगाते कैसे आइए देखते हैं। हमें चाहिए क्या क्या लगाने के लिए? हमें एचेंट चाहिए, एक बॉन्ड ब्रश चाहिए, बॉन्डिंग एजेंट चाहिए, इलास्टिक का पैक आता है, ये बहुत चीप सा होता है, इसके अंदर 100 होते हैं, यू आप पेशेंट को दे सकते हैं। फाइनली हमें लगाने के लिए ट्रांसबॉन्ड XT चाहिए, दिस इज़ कॉम्पोजिट। ये ऑर्थो में यूजली ज़्यादा यूज़ होता है, ब्रैकेट्स लगाने के लिए यूज़ होता है। स्टेप वन, हम उस जगह को एच करेंगे जहाँ पर हमने लिंगुअल बटन लगाना है। जिससे मैंने आपको बताया था अटैचमेंट जो है जहाँ लगी थी, कोशिश करें सिर्फ उसी जगह पर एच करें और उसी जगह पर बॉन्ड करें, क्योंकि ज़्यादा आगे पीछे करेंगे तो अगर हमारा ज़रा सा भी एक्सेस फ्लो होगा तो वो बॉन्ड हो जाएगा दांत के साथ कॉम्पोजिट और फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू अप्लाई बॉन्डिंग एजेंट। बॉन्डिंग एजेंट लगाएं, थोड़ा सा इरिटेट कर दें आप इस जगह को। ओके, क्योर। अब आपके पास दो ऑप्शन है, का जो बटन है उसके नीचे कॉम्पोजिट लगाएं, या आप सीधा यहाँ पर भी कॉम्पोजिट लगा सकते हैं और फिर उसके बाद बटन को उसके ऊपर रखें। बटन रखने के बाद थोड़ा सा प्रेस करें ताकि जो एक्सेस कॉम्पोजिट है वो थोड़ा सा बाहर आ जाए। जिस तरह नज़र आ रहा है ये एक्सेस आया हुआ है बाहर। कॉम्पोजिट लगाने के बाद थोड़ा सा एक्सेस आप अभी भी निकाल सकते हैं जो रह गया। ये आपका एक लिंगुअल बटन लग गया। हमने यहाँ क्यों लगाया? क्योंकि हमें लैब से इंस्ट्रक्शंस आई थी कि फोर पे लगाना है नीचे वाले और फोर पे लगाना है ऊपर, और कौन सी लोकेशन पे लगाना है। तो ये आपने खुद नहीं सोचना, आपने आपको लैब से इन्फॉर्मेशन आएगी, आपने वही फॉलो करनी है। ये हो गया ये वाला, अब हम यही काम ऊपर कर देते हैं फोर पे। सेम प्रोसीजर यहाँ करेंगे, आपने इसको ड्राई कर लिया। नेक्स्ट स्टेप वही है जो रिपीट करेंगे आप, बॉन्डिंग एजेंट लगाएंगे। अब आप वापस उसी जगह पे थोड़ा सा इरिटेट करेंगे उसको जगह को। दूसरा वाला आपने पकड़ा है, थोड़ा प्रेस किया ताकि एक्सेस निकल आए। अच्छा, जितना एक्सेस आप पहले निकाल लेंगे वो ज़्यादा आसान करेगा आपकी ज़िंदगी। तो मैं थोड़ा सा एक्सेस पहले से ही निकाल रहा हूँ। एक्सेस निकाल दिया हमने, एंड यू डन। ये पेशेंट के जो हैं दोनों बटन्स लग गए। पेशेंट क्या करेगा, जो उसके अलाइनर की शीट है वो उस जगह से कट हुई भी होगी टू अकोमोडेट ये बटन, ठीक है। तो वो पहले ये पहनेगा ट्रे, और जब ये पहन लेगा ट्रे, ये आपका बटन फिर भी विजिबल है। तो अगर आपको लग रहा हो कि बटन बहुत क्लोज आ गया तो थोड़ा सा और कट कर दें ट्रे को। ट्रे पहनने के बाद, ट्रे पहनने के बाद वो एक लगाएगा ऊपर इलास्टिक, इस तरह ये अपनी ट्रे भी पहना हुआ होगा जो अपना काम कर रही है, और इलास्टिक जो है जो बटन्स पे लगा वो भी अपना काम कर रहा होगा इस दांत को पुल करने के लिए। अगर वो दोनों पहन रहा है नीचे ऊपर तो दोनों पहले पहनेगा और फिर बाद में उसके ऊपर इलास्टिक लगाएगा। थैंक यू।